शैतानी आत्मा, चल नशे की गंदी आत्मा निकल। इस ब्रदर का नाम दविंदर सिंह है और जे काजीवाल गांव के रहने वाले हैं और इस ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है और जे बता रहे कि 20 साल से जे ड्रिंक का नशा करते थे और रात के टाइम ही जे ड्रिंक का नशा करते थे। जे बताते कि जब जे ड्रिंक नहीं थे करते उस समय इनको नींद नहीं आती थी और जिसके कारण इनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी जब जे ड्रिंक नहीं करते थे और जे बहुत ही इनको आदत हो गई थी ड्रिंक की और जे बता रहे कि जे रूटीन में ही ड्रिंक करते थे और जे बिल्कुल भी ड्रिंक के बिना रह नहीं सकते थे और जिसके कारण इनकी फैमिली भी काफ़ी परेशान थी और जे काफ़ी समय से इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं और जे विश्वास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे कि परमेश्वर जी आप इस प्रॉब्लम से मुझे आज़ाद कर चुके हो और इनके मिसेज भी विश्वास करते थे, वो भी प्रेयर करते थे लगातार और जे विश्वास में बने रहे और जैसे इस ब्रदर ने अपनी प्रॉब्लम को फॉर्म के ऊपर लिखवाया और इनके लिए भी 15 मई के दिन ले हैंड हुए। सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। इसकी बॉडी से उसके शरीर से चल शैतानी आत्मा, चल नशे की गंदी आत्मा निकल, निकल आउट। चल पूरी तरह से, चल यीशु के नाम से मैं तुझे बाहर करता हूँ, आउट, आउट, फ्री। और जब ब्रदर बता रहे कि जे एक भी दिन ऐसा नहीं था जे आप ड्रिंक को अपने आप छोड़ सकते पर जैसे जे बता रहे कि इनके लिए ले हैंड हुई अभी 15 दिन हो गए इन्होंने एक भी दिन ड्रिंक का नशा नहीं किया। वाह वाह वाह, तारीफ होनी चाहिए इस बात के लिए। हाँ, 15 दिन हो गए। जो बंदा 20 साल से एक दिन भी बिना पिए उसे नींद नहीं आती और गैस बनती है। देखो शैतान कैसे कैसे लोगों को फंसाता है पर खुदा का मसा क्या करता है। लंबे समय से ये जुड़े हुए हैं पर जब तक इन्होंने अपना वो वाला मन और वाला विश्वास नहीं दिया जिससे कौन काम करता है, बोलो क्या करता है, जिससे कौन बड़े काम करता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है। लंबे समय से तो इस मिनिस्ट्री से जुड़े थे, विश्वास भी करते थे और प्रार्थना भी करते थे। क्या करते थे कि हाँ परमेश्वर आप मुझे इससे आजाद कर चुके मगर हो नहीं पा रहे थे। पर परमेश्वर सच्चा है, बोलो क्या है, इसे लिखा उसमें की हुई मेहनत कभी व्यर्थ है। ऐसा नहीं कोई आ रहा और विनती प्रार्थना कर रहा और परमेश्वर से डिलीवर नहीं करेगा, आजाद नहीं करेगा। ये छोटी बात नहीं है कि बंदा 20 साल से नशा करता है और बिना पिए उसका एक दिन भी नहीं गुजरती रात, बिना पिए उसे नींद आती नहीं, अगर ना पियो तो गैस बन जाती, हाँ तो गैस की प्रॉब्लम से और तकलीफ होती। पर आज 15 दिन हो गए, 15 दिन, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे 15 दिन। और ये देखो अभी जब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूं, मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा तो अगर नशे की दुष्ट आत्मा होती तो प्रकट होती पर कई कई कुछ दुष्ट आत्माएं गुप्त रूप में अंदर काम करती है। क्या करती है, ऐसे नहीं कि हर बीमारी वाले किसी को प्रॉब्लम है तो वो कुछ दुष्ट आत्मा उस पर चीख चकाएगी, कुछ वो ऐसा करेगा फिर पता चलेगा, तो कुछ दुष्ट आत्माएं कुछ पाप गुप्त रूप में काम करते हैं जिसे परमेश्वर ने उस दिन जिस दिन फुल ले हैंड थी जी, हाँ जिस दिन फुल ले हैंड थी। सुनो अगर ये बात ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है तो जितनों ने भी ये ले हैंड उस दिन करवाई है अगर जिस जिस को भी जो प्रॉब्लम है तो सब लोगों की क्या आनी चाहिए, गवाहियां आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जैसे इनकी आई तो औरों को भी आनी चाहिए गवाही। इसलिए जितने लोगों ने अगर करवाई है तो उस चीज के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करते रहो, अभी गवाही से चल दाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, आप भी अपनी बड़ी गवाही से चल दाओगे। जैसे ये आए लंबे समय से जुड़े थे पर जा नहीं रहे पर उस दिन जो वचन परमेश्वर की ओर से आया ये 20 साल से कि एक नशे की एक बड़ी शर्मिंदगी से परमेश्वर ने डिलीवर किया, आजाद किया है। दोनों हाथों को उठाकर तारीफ।
और जे बता रहे कि अभी बिना ड्रिंक किए इनको अच्छी नींद भी आ रही है, कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर इसको आजाद कर दे। तारीफ करो, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, मिली तेरे लहू से मुझे माफी है, मिली तेरे लहू से मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है। जितने लोग मैंने कहा नशे में है, जहां वो नशा करते हैं, जहां जिन बहनों के बच्चे जहां पते हैं, वो सब के सब इस गवाही से आजाद हो जाएं। मैंने कहा वो भी चंगे हो जाएं, हर अंधकार की नशे की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर आज चली जाए। राइट नाउ इस समय हर और नशे की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाए।